महिलाओं ने रखा करवा चौथ का व्रत, पति के लिए मांगी दीर्घायु। मंडला महिलाओं द्वारा आज करवा चौथ का व्रत रखा गया है। आज के दिन सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए निर्जला उपवास रखकर है अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। करवा चौथ दो शब्दों से मिलकर बना है। करवा मतलब मिट्टी का बर्तन और चौथ मतलब चतुर्थी। आज के दिन महिलाओं ने करवा चौथ व्रत रखा। दिन में चौथ माता की कहानी सुनी और सूर्य को जल अर्पण कर पूजा अर्चना की। वहीं रात को चांद निकलने पर चांद की पूजा कर पति के दीर्घायु होने की कामना की। महिलाओं ने बताया कि हिंदू स्त्रियों के लिए करवा चौथ का व्रत अखंड सुहाग देने वाला व्रत माना जाता है। विवाहित स्त्रियां इस दिन अपने पति की दीर्घायु एवं स्वास्थ्य होने की मंगल कामना करती हैं। रात को चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित कर व्रत को पूर्ण करती हैं। इस दिन सुहागिन स्त्रियां पूर्ण श्रृंगार करके दिनभ रखे व्रत के बाद रात को चंद्रमा के समक्ष यह प्रण लेती हैं कि वे मन वचन और कर्म से पति के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना रखेंगी। ये पति की लंबी आयु के लिए ये उपास रखते हैं। ये कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है, इसलिए इस उपास को करवा चौथ कहते हैं। इसमें श्रृंगार की पूरी सामग्री रखी जाती है और माता को अर्पण की जाती है और सुबह उठ के सर्गी करते हैं। उसके बाद दिन भर हम लोग निर्जला उपास करते हैं और उसके बाद चांद को अर्घ देने के बाद ही हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं। इस प्रकार यह उपास हमारा पूरा होता है। पति मैं अपने पति की लंबी आयु के लिए उपास रखी हूँ और ये उपास रख के मेरे मन को बहुत शांति हुई और हमारा प्यार हमेशा बना रहेगा। अरे वाह। अगर आपके पास भी कोई समाचार या वीडियो है तो आप हमें भेजें। संपर्क करें विदीप सिंह मरकाम, डायरेक्टर न्यूज विटनेस, मोबाइल 9407091560। देश दुनिया की ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें न्यूज विटनेस और रहे पल पल के खबरों से अपडेट।